ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 1 जनवरी 2020 बुधवार का दिन है। पोष माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र एवं कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। ईस्वी नववर्ष 2020 का शुभारंभ रहेगा। दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में, चंद्रमा जो कि कुंभ राशि में, मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनिदेव धनु राशि में, राहु मिथुन तथा केतु धनु राशि में रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ मिथुन कन्या वृश्चिक मकर और कुंभ ये 6 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। इनकी आर्थिक सामाजिक पारिवारिक एवं अन्य प्रकार से जो है उन्नति होने का योग बन रहा है। कुल मिलाकर के इन 6 राशि वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को ईस्वी नववर्ष 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। 2020 आपके लिए, आपके परिवार के लिए खुशियां लेकर के आए, सौगात लेकर के आए। वैसे तो हमारा जो सनातन नववर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है, लेकिन चूंकि इस समय कैलेंडर बदलता है और व्यवस्थाएं परिवर्तित होती है, इसलिए हमें इस नववर्ष का भी अपनी परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार स्वागत करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नया दिन हमारे लिए नई ऊर्जा लेकर के आता है, इसलिए हमें इस नव वर्ष का भी स्वागत करना चाहिए। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। धन लाभ आपको हो सकता है, आप उतना ही काम करें जितना आसानी से कर सकते हैं, या जो बहुत ज़रूरी करना हो, आपकी मुलाकात बड़े लोगों से होगी, आप अपनी बात साफ तौर पर रखेंगे, इसमें सफल भी हो जाएंगे। दूसरों की बातें समझने की कोशिश करें, किसी को अपनी बात समझाने और अपनी बात से सहमत करवाने में आप सफल हो जाएंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से आपको समय पर मदद प्राप्त हो जाएगी। किसी दोस्त या प्रेमी के साथ पैसों का कोई मामला है तो उसे न छेड़े, जल्दबाजी न करे, किसी के साथ विवाद न करे। आज आप कुछ जरूरी कामों में आलस्य भी कर सकते हैं। सुस्ती या असुरक्षा की भावना आपके अंदर महसूस होगी। साथ काम करने वाले या आपके बॉस या अन्य व्यक्ति जो है आपकी आलोचना कर सकते हैं, और भूमि भवन और वाहन पर आपका खर्च होने का योग बन रहा है। उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में दूध से बनी मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी इनकम बढ़ सकती है, दोस्तों रिश्तेदारों से मदद मिलने का योग है। पैसों के लिहाज से दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। सुबह से ही कामकाज में मन लगेगा, पार्टनर से सपोर्ट प्राप्त होगा। आपका ध्यान पैसों से जुड़े किसी मामलों पर रहेगा। पैसों की स्थिति में सुधार धीरे धीरे होगा और किसी करीबी व्यक्ति का योगदान भी आपको प्राप्त होगा। आज आप सोच समझ करके बोले सोचे हुए काम पूरे करने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। अचानक गुस्से में कही गई किसी बात से आपको नुकसान हो सकता है। जोश में आकर किसी से ऐसा वादा आप कर सकते हैं जिसको पूरा करने में आपको परेशानी महसूस होगी। आज आप दूसरों की जरूरतों को लेकर सावधान रहे। माता पिता की सेहत को लेकर आपकी टेंशन बढ़ सकती है, सावधान रहे, आपका खर्चा बढ़ सकता है। और उपाय के रूप में हरी सब्जी का दान मंदिर में करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा।
अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आप बदलते वक्त को महसूस करेंगे, अपनी बेचैनी को भी काबू में रखने का प्रयास आपका रहेगा। आप साथ काम करने वाले लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आपके खान पान की आदतों में बदलाव होने की संभावना है। धार्मिक कार्यों में शामिल होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। परेशानियों में एक बार उलझ जाएंगे तो उलझे ही रहेंगे, इसलिए परेशानियों से बचकर रहे। कई तरह के मामलों को आपको निपटाना होगा। कामकाज में भी आपका मन थोड़ा कम लगेगा। कुछ काम अधूरे होने से मूड आपका खराब हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप पीले रंग का कोई भी फूल देवी जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कुछ हल्के फुल्के मामले आपके फेवर में होंगे। बिजनेस में पुराने काम निपटाने में आप लगे रहेंगे। आपके पॉजिटिव व्यवहार से ज़्यादातर लोग खुश हो जाएंगे। आसपास के लोगों से भी आपको समर्थन प्राप्त होगा। जहां जरूरत होगी वहां आपको मदद मिल जाएगी और संबंधों में सुधार होने का योग है। किसी यात्रा की योजना आप बना सकते हैं। पैसों के बारे में आपके कुछ फैसले कमजोर रहेंगे, इसलिए कोई भी पैसों से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में आपको नहीं करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप चावल का दान शंकर भगवान के मंदिर में करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। बिजनेस अच्छा चलेगा। कार्यक्षेत्र पर आप अपने बड़े लोगों से मदद भी प्राप्त कर पाएंगे, इससे आपके खास काम पूरा हो जाएंगे। कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है, समय अच्छा है और अतिरिक्त धन प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कारोबार के सिलसिले में भागदौड़ अधिक रहेगी, जिनका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। खुद पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त रहेगी, लेकिन दिन जैसे जैसे व्यतीत होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और काम करने की जो है इच्छा शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में यदि आप फल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। किसी से अपनी बात मनवाने में आप सफल हो जाएंगे। ऑफिस या बिजनेस में जल्द ही कोई काम आप पूरा कर पाएंगे। धन संबंधित कोई बड़ा काम आपका होने वाला है। नया कारोबार शुरू करने की यदि आप सोच रहे हैं तो शुरुआती काम और व्यवस्थाएं पूरी करने का दिन है। दोस्तों और भाई बहनों से आपको मदद प्राप्त होगी। उपाय के रूप में अनार का जूस पीना या अनार खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। पैसों के उलझे हुए मामले सुलझ सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह आपको प्राप्त होगी। ऑफिस के छोटे छोटे काम जो आप टाल रहे हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। ऑफिस और बिजनेस में नया काम हो सकता है। कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। नए काम करने के लिए योजनाएं आप बना सकते हैं। उनमें कुछ लोगों की मदद भी आपको प्राप्त होगी। ज़्यादा भावुक न हो। कोई बड़ा फैसला भी यदि आपको करना है तो सोच विचार करके करना चाहिए। कुछ मामलों में आपकी सोच और सोचने का तरीका साफ नहीं होने से थोड़ी बहुत परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती है। जरूरत से ज़्यादा धन खर्च भी हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर से निकलते समय गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दूसरों पर आपके काम और व्यवहार का पॉजिटिव असर पड़ेगा। पैसों के मामलों में सोच विचार और प्लानिंग आपकी हो सकती है। जीवन साथी को लेकर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। आपके काम समय पर पूरे हो जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय और दिन अच्छा है। आज आपको अपने मन की बात कहने का मौका शायद ही मिले। थकावट और थोड़ी बहुत बेचैनी या परेशानी बढ़ सकती है। मेहनत अधिक रहेगी। खर्च बढ़ने का योग है। फालतू पैसा भी खर्च हो सकता है। खरीदारी करने के पहले एक बार फिर से विचार करें। फालतू चीज़ों की खरीदारी हो सकती है। और उपाय के रूप में शक्कर का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा।
अब हम बात करते हैं धनु राशि की। बेरोजगार यदि है तो रोजगार प्राप्त करने में आप सफल हो जाएंगे। सोचे हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। आपके अंदर एक नया उत्साह रहेगा। लंबे समय से अधूरे काम पूरे होने का योग है। मन में उत्सुकता रहेगी। कई नए मौके आपको मिल सकते हैं। रोजमर्रा के कामों की चिंता न करें। साथ काम करने वाले लोगों की कोई नई बात आपको पता चलने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। दूसरों के लिए आप कुछ त्याग भी कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई रहेगी। अपनी इच्छा के काम नहीं कर पाने से आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है। किसी तरह का दबाव आपके ऊपर हो सकता है। आज आप कोई फैसला बिना सोचे समझे न करें। आप फालतू किसी की आलोचना या किसी से विवाद बिल्कुल न करें। और उपाय के रूप में यदि आप पीले चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आप बिजनेस में नई चुनौतियों से निपट सकते हैं। रुके हुए ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे। साथ काम करने वाले लोगों से सही सलाह आपको मिल सकती है। नए और फायदेमंद विचार आपके मन में आएंगे और दोस्तों की मदद से कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। निजी और कामकाजी जीवन में प्रगति होगी। नए विषय पर काम शुरू हो सकता है। आपको समय जरूर लगेगा लेकिन आप सफल अवश्य हो जाएंगे। उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई गणेश जी के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। नए प्लान आपके सामने आ सकते हैं। आज आपको किसी की गुप्त बातें भी पता चल सकती है। दिन आपके लिए हालांकि सामान्य रहेगा लेकिन सोचे हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। कुछ नए लोगों से मुलाकात या दोस्ती होगी। ऑफिस में आप बहुत से मामलों में सफल रहेंगे। अपने काम और विचारों से लोगों को सहमत करवाने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ऑफिस में आप किसी नए साथी की मदद भी करेंगे। थोड़ी सुस्ती महसूस होगी। कामकाज में अधूरापन आपको महसूस होगा। इमेज आपकी खराब होने का जो है डर लग रहा है, इसलिए किसी से झूठा वादा बिल्कुल न करें। किए गए वादों को आपको निभाना भी होगा। आप जितने ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे उतने ही परेशान हो सकते हैं। सेहत के मामलों में आपको थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है। और उपाय के रूप में पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। बिजनेस के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों की मदद से सभी काम पूरे होने का योग है। नए लोगों से मुलाकात होगी। संभल कर कदम बढ़ाएंगे तो बहुत हद तक विवादों से आप बच पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस की कुछ नई बातें पता चल सकती है। नए विचार आपके मन में आएंगे। ज़्यादातर लोगों को अपनी राय से सहमत करवाने में आप सफल रहेंगे। और घर ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा। उपाय के रूप में यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और एक नारियल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जो है विचार अवश्य लिखिएगा। तो आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।